नमस्कार अम्बरीजनों, आप देख रहे हैं सोडी पार्ट सलाब से का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो को रीशूट कर रहे हैं। अभी कल शूट हुआ, माइक की प्रॉब्लम आ गई थी, फाइनली आपने दोबारा समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो फिर से चीज़ों को हम लोग रिपीट करेंगे, होपफुली आप लोग के लिए तो पहली बार होगा। हम लोग शायद उसको वैसे कोशिश रहेगी कि हम लोग नेचुरली बात करें, जो एक्सपीरियंसेस हैं वो नेचुरली अगर शेयर होते हैं तो बच्चे भी समझ पाएंगे और मज़ा भी आएगा सुनने और समझने में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो फाइनली ये पूरी एक सीरीज है COT टॉक्स का, जिसमें हम लोग कई सारे टॉपर से, कई सारे स्टूडेंट्स से बातें करेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस बेसिकली जानेंगे कि हाँ भाई कैसा लग रहा है एडमिशन के बाद, और वो पूरा जो एक प्रिपरेशन की जर्नी है, बेसिकली काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो कितना ज़्यादा हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था, और फिर फाइनली हम लोग एडमिशन ले पाए और आज अलग अलग विश्वविद्यालयों में है। और ये जो प्लेस है, ये कासिम विश्वविद्यालय का एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर है, जहाँ पे कई बार मैं वीडियोज बना चुका हूँ। तो फाइनली आज एक नए स्टूडेंट से जुड़ रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली आपका नाम क्या है? मेरा नाम सृष्टि घोष है, मैं मेघालय से हूँ। ओके। और मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन नेहू से की है। नेहू कई सारे कॉलेजेस का ग्रुप होता होगा। जी, मैं सेंट मैरी से मैंने अपना BA किया है। और ऑनर्स क्या था आपका? फिलोसफी ऑनर्स। फिलोसफी। अभी यहाँ पे आपने BHU में किस कोर्स में लिया? फिलोसफी से ही मैं मास्टर्स कर रही हूँ अभी। MA फिलोसफी। ओके। तो फाइनली ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा है आपका, अभी सिलेक्शन के बाद कैसा लग रहा है? सिलेक्शन के बाद तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनिशियली मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। BHU हमेशा से ड्रीम रहा है। हाँ। UG में भी ट्राई किया था BHU के लिए? नहीं, UG में मैंने ट्राई नहीं किया था BHU के लिए। ये बहुत सडन था, मुझे BHU के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मैं म्यूजिकली इंक्लाइंड हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए, जगह बहुत अच्छी है। अच्छा, UG के बाद PG में रियलाइज हुआ कि समवेयर BHU एग्जिस्ट करता है और चलना चाहिए। तो अभी आने के बाद अच्छा लग रहा है। कितने महीने हो गए यहाँ पे? एक महीना हो गया है। एक महीना, अबाउट 30 days का ये पूरा पीरियड कैसा है? बहुत अच्छा है। इनिशियली मुझे लग रहा था क्लासेस वगैरह रेगुलर नहीं होंगे, पर लकीली अभी प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, क्लासेस रेगुलरली हो रही हैं, तो मुझे अभी अच्छा लग रहा है। ओके। तो फाइनली आप फिलोसफी में आए हो और UG भी फिलोसफी से, और इससे पहले आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? स्टार्टिंग से ऐसा ही लिटरेचर वाला कोर्स था या फिर किस बैकग्राउंड से आ रहे हो? 12th में मैं 11th 12th में मैंने साइंस किया हुआ है। Okay. मैं मेडिकल एस्पिरेंट थी, और जब कोरोना का पीरियड आया तो कोरोना की वजह से मुझे एक स्विच हो गया मुझ में। अच्छा। मुझे लगा कि आई शुड गेट इनटू द गवर्निंग सिस्टम, उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। यू आर लुकिंग फॉर UPSC? हाँ, ऐसा ही कुछ। हाँ, तो UPSC में ऑप्शनल फिलोसफी को लेकर चल रही थी इसको? हाँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ ऐसा करने का। ओके। पहला अटेम्प्ट कब देने की प्लानिंग है? अभी तक मैंने ऐसा तय नहीं किया है, मुझे फिलहाल फिलोसफी लेके और पढ़ना है। ओके। सब्जेक्ट तो मतलब आगे का PhD को भी देख रहा लग रहा है। हाँ हाँ, PhD मतलब PhD और उसी दरमियान ये सब। हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ से PhD करते हुए UPSC निकला भी है अभी पिछले साल, और UG में भी, UG करने के बाद PG में भी कुछ लोग का निकला हुआ है। कई सारे ऐसे UPSC के एग्ज़ाम हैं, CAPF, इन सब में बहुत अच्छे रिकॉर्ड हैं कुछ लोगों के। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का प्लानिंग करके चल रहे हो कि BHU में पढ़ रहे हो और BHU से पर्टिकुलर इस कोर्स में हो, तो आप UPSC की प्रिपरेशन भी कर सकते हो और आप डेफिनेटली आप क्रैक भी कर सकते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइनली ये प्रिपरेशन और काउंसलिंग, तो सबसे पहले जानेंगे कि आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया अपने पर्टिकुलर CUT प्रिपरेशन के लिए? टू बी ऑनेस्ट, मैंने प्रिपरेशन वैसे की नहीं हूँ। ओके। मुझे पता ही चला कि CUT कब देना है। प्रिपरेशन किया होगा, सेल्फ स्टडी किया होगा? हाँ, सेल्फ स्टडी किया। मुझे CUT के बारे में पता ही चला आपके चैनल से, मैं ऐसे ही YouTube में देख रही थी, मुझे ऐसा था कि मैं CUT दूंगी, मुझे मास्टर्स करना है। CUT के बारे में आपके चैनल से मुझे पता चला, और फिर लकीली ये भी पता चला कि कल ही है फॉर्म फिलअप करना है, तो आपके चैनल से ही पता चल गया। वो मेरा लक अच्छा है, नहीं वीडियो मिला होगा, लेकिन प्लान तो पहले से होगा ना, कि प्लान भी नहीं था फॉर्म भरने का। प्लान था, पर मैं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ऐसा था CUT पर इसी साल देना था, ऐसा नहीं था। अच्छा, तो YouTube पे तो बहुत सारे होंगे वीडियोज। नहीं, आपका आया था तो लकीली मैंने CUT जब सर्च किया तो आपका वीडियो आया था पहले। ओके। सो फाइनली
एग्जाम से एक दिन पहले आपने डिसाइड किया, एग्जाम फॉर्म लास्ट सबमिशन से एक दिन पहले डिसाइड किया कि चलो फॉर्म भरना चाहिए, और पहले क्रैक भी कर लिया आपने, तो प्रिपरेशन तो सेल्फ स्टडी पे हो गया, बाकी बहुत सारी चीजें फ्री में मिली होंगी इंस्टीट्यूट पे, तो वहाँ से भी कुछ सिलेबस वगैरह ये सब चीजें हैं। हाँ, वो किस तरह से सिलेबस, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है वो आपके चैनल से मुझे पता चल गया था। तो मैं इनिशियली पेपर वन के लिए प्रिपेयर कर रही थी, फिर बाद में आप ही के चैनल से पता चला कि पेपर वन हटा दिया गया है कंफर्म्ड। अच्छा, तो उसके बाद फिलोसफी का मैं, मतलब आप बहुत ही इनोसेंटली बता रहे हो कि चीजें एकदम पता नहीं थी क्या? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता थी। लास्ट ईयर भी पेपर वन था, पार्ट ए था, तो मुझे आपके चैनल से ही पता चला कि नहीं है, और फिर जो फिलोसफी किस तरह से प्रिपेयर करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो आपके चैनल से मुझे पता चला। मैंने ही उसको कवर भी किया था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी रहा है फिलॉसफी का, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि चलो फिलॉसफी को मैं ही थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रीम चेंज कर लिया अपना मास्टर्स। अच्छा। लेकिन यूजी में रहा है और यहीं से रहा है, विश्वविद्यालय से ही रहा है। डिपार्टमेंट कैसा लग रहा है अभी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्लासेस होती है वही मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, क्लास अच्छा करते हैं। कोशिश रहेगी हम लोग की कि किसी दिन हम लोग एक फिलोसफिकल टॉक रखें जिसमें टोटली फिलोसफी के ऊपर बातें होंगी। अभी तो आज हम लोग एक्सपीरियंसेस जानेंगे, बेसिकली आपका एडमिशन हो गया, आप बहुत खुश हो, और सीयूटी की प्रिपरेशन आपने अपने से खुद से की, ये और अच्छी बात है। हाँ, गाइडेंस थोड़ा रहा। अब हम लोग जानेंगे कि काउंसलिंग प्रोसीजर कितना डिफिकल्ट रहा। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं परेशान तो किया। हाँ, डिफिकल्ट नहीं बोलूँगी, बहुत ही टेंस्ड, और उसमें स्टूडेंट और जो यूनिवर्सिटी का कम्युनिकेशन बहुत कम था, और उस वक्त बहुत टेंशन हो रही थी मुझे, क्योंकि मेल नहीं आ रहा था या फीस दे दिया, फिर वो लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, तो वो बहुत वो प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में भी तो तब आपको कॉन्टेक्ट किया, तो लकीली आपने फिर रिप्लाई किया, तो हो गया वो काम टाइमली, वरना तो नहीं होता फिर। बहुत पेशेंस रखना पड़ा। हाँ, बहुत बहुत, क्योंकि एग्जाम क्रैक करना ही बस नहीं है, उसके बाद बहुत लंबा प्रोसीजर है, काउंसलिंग प्रोसीजर बहुत लॉन्ग और पेशेंसफुल काम है वो। बिल्कुल। और बेसिकली पेशेंसफुल क्या, वो एडमिनिस्ट्रेशन की कमी भी है मुझे लगता है, कहीं ना कहीं चीजों को बहुत लंबा खींच देते हैं, थोड़ा सा उसको सीरियसली। अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी लास्ट इन्हीं के बैच में अभी वो बच्चे घर इंतजार कर रहे हैं जिन्होंने मॉप अप में काउंसलिंग कराई है, अभी भी उनका काफी पेमेंट आया हुआ, एक दो दिनों में आने वाला है, तो समझो कि अभी भी लंबा खींच रहा है। अबाउट वन मंथ अपनी क्लासेज कर चुके हैं और अभी बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा इस पे सुधार करना चाहिए। और चैनल को लेकर कोई चीज, बेसिकली बीएचयू पाठशाला, सीयूटी पाठशाला के लिए क्या व्यू है? क्योंकि आपका चैनल जो है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि मैं जब असम, बंगाल, मेघालय और इस तरीके के बहुत ही दूर के स्टेट को जब टॉक करता हूँ उन लोगों से, तो मुझे ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं ये चैनल उनके लिए होता है एग्जैक्टली हेल्पफुल, क्योंकि लोगों से मिलता हूँ तो वो हैप्पीनेस नजर आती है मुझे। दैट्स व्हाई मैं पूछ रहा हूँ कि कैसा है आपके लिए चैनल? हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे मतलब यूट्यूबर्स नहीं है जो ऐसा इन्फॉर्मेशन हमें दे दे वहीं से, तो आप लोग जब करते हैं तो हमें काफी हेल्प मिल जाता है, काफी सारे अपडेट्स मिल जाते हैं टाइम से पहले कि कल है या ये नोटिस आने वाला है, ये सारी चीजें आपके चैनल से मुझे पता लग गई थी, तो मैं अकॉर्डिंगली वैसे प्रिपेयर कर लेती थी खुद को, तो वो काफी हेल्पफुल था। और बाकी कट ऑफ कैसे जाएगा, सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इन सब में भी मदद हुई है। अच्छा, और अभी 30 डेज का जो पीरियड है उसमें सबसे अच्छा स्पॉट भी चुका कौन सा लगा आपको? अभी फिलहाल ये तो बहुत सुंदर है ये जगह, बहुत चलो अच्छा है कि आप प्रेजेंट में जीरो, ये भी अच्छा है। हाँ। इसको छोड़ के और कौन सा मुझे विश्वनाथ टेम्पल बहुत अच्छा लगा। ओके, वो भी जस्ट हम लोग के पीछे पड़ेगा वहाँ पे। ओके, भीटी, उसके बाद और तो हमारा डिपार्टमेंट है ही, और कला भवन वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। कला भवन, ओके, कला रेयरली हमें देखने को मिलता है वहाँ पे ऐसे इतने अच्छे प्रोग्राम। और ये शहर कैसा लगा बनारस? अच्छे है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, बहुत बहुत वेल स्पोकन है, सबसे मिलते जुलते। कोई बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस 30 डेज में, कोई हेल्प किसी ने किया हो जहाँ बड़ा काम फंस गया था, या कुछ भी ऐसा? ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ओके, कोई बैड सा एक्सपीरियंस? हाँ, मैं गई थी घाट में, 80 घाट। ओके, और मेरे पॉकेट में मेरा वो एटीएम कार्ड पैसे थे, वो किसी ने निकाल लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना है। कितना मनी गया लगभग? 10,000। ओह माय गॉड, 10,000
खत्म लूट गया। हाँ, चले कैसे मतलब पॉकेट से कैसे निकाल सकता है कोई? होंगे भीड़ में तो पॉकेट से हाथ डाल के उन्होंने निकाल लिया। फिर ओके, ये 80 का है जी। घाट में आरती देखी नहीं मैंने, मतलब रास्ते पे ही चला गया तो, और फिर मन नहीं कर रहा था देखने का। देखो ये एक होता है ना कि अवेयरनेस टाइप का वीडियो हो गया भाई, वार्निंग है आपके लिए। अब यहाँ पे बहुत मिक्स सोसाइटी बन चुकी है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद को थोड़ा सुरक्षित रखें बेसिकली। नहीं, ये एक लर्निंग है, आती ये लर्निंग अगर मिल गई तो इसका मतलब आने वाले दो साल और आने वाले में भी अगर PhD परस्यू करते हो तो 7 साल अपने आप को इस तरीके से सुरक्षित रखो कि आप पैसा नहीं जाना चाहिए। एक बड़ा अमाउंट चला गया और इतना अमाउंट लेके कैरी भी नहीं करना चाहिए बेसिकली। बट कोई नहीं, अभी नया नया एक्सपीरियंस है तो थोड़ा। और कोई चीज़ जो बच्चों को आप बताना चाहो, अपने आने वाले जूनियर्स को बताना चाहो? कि यहाँ पे आए तो क्लासेस करें और सिंसियरली करें, क्योंकि प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, उनको यूटिलाइज करना चाहिए। बहुत सारे प्रोफेसर्स रिटायर हो जाएंगे, जो अच्छे हैं उनका नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, विशेषकर जो फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं। वो ऐसे प्रोफेसर्स कहीं और शायद नहीं मिलेंगे, इनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है विशेषकर इंडियन फिलॉसफी में, तो उनसे लेना चाहिए, जो भी है जितना बटोर सकते हैं बटोर लेना चाहिए। हाँ, बेसिकली आप जिस पर्पज से आ रहे हो, यूनिवर्सिटी का काम ही है पढ़ाना और आपका काम है यहाँ आके पढ़ना, और बेसिकली ये तो मेन है, प्रायोरिटी है, जिसके लिए आ रहे हो तो करना ही है। और मैं तो कहूँगा कि ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़, इतने सारे सेमिनार होते हैं जैसा आप बता रहे हो भारत कला भवन में हुआ, तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे सेमिनार होते हैं और वो बड़े बड़े लोग आते हैं, जिन राइटर्स का हम लोग बुक पढ़ते हैं वो बेसिकली आगे सेमिनार करते हैं, या किसी ने कोई बहुत बढ़िया थ्योरी दिया हुआ है वो यहाँ पे आगे अपना सेमिनार कर रहा है। अब डायरेक्टली आप उन्हें जब सुनोगे तो वो एक बहुत ही फ्रेश चीज़ माइंड में जाता है और मज़ा आता है बेसिकली। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको, आप इतना दूर से आए हो, और खुद को कैसे मोटिवेट कर पाते हो बेसिकली, इसके लिए कैसे कन्विंस किया कि चलो अब नेहू इतना दूर था, मेघालय इतना दूर है, वहां से यहाँ आ गए कैसे? मतलब हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, इतना दूर जाना पसंद नहीं करेंगे, और बीइंग अ गर्ल कहीं ना कहीं घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, क्या होता है ऐसा? सबसे पास यही है BHU बनारस, सबसे पास यही था। ओके, और DU था, वहाँ पे मुझे एडमिशन मिला है। हैदराबाद में मैंने अप्लाई किया था, हैदराबाद में भी मिला है, पौंडीचेरी में भी मिला है, पर वो ज्यादा दूर हो जाता है कम्पेयर टू बनारस। और यहाँ का माहौल अच्छा है क्योंकि एक तीर्थ स्थान है, यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी अलग होती है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा लग रहा है कहीं ना कहीं, लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइंड है ज्यादा, तो बुरे लोग कम मिलते हैं, कोई बुरा बर्ताव नहीं करता है। चलो 10,000 खोने के बाद भी अगर ऐसे पॉजिटिव इमेज बना के रखे हो तो अपने आप में मैं अच्छा ही समझूंगा, लेकिन ध्यान देना कि ये शहर सच में अच्छा है, ओरिजिनली अच्छा है। मैं बोला ना कि वो मिक्स सोसाइटी है, बोल चुकी है माइग्रेंट्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैं बोला कि वो अब वो, क्योंकि ओरिजिनल माइंड जो है यहाँ का नेटिव माइंड है ना, वो तो आज भी बहुत फ्रेश है, वो शहर बोलते हैं ना बहुत जिंदा शहर है बनारस। घर वालों को कैसे कन्विंस, फैमिली बेसिकली गर्ल्स होने के नाते भी किस तरीके सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाता है इतना अच्छा मौका बाहर जाके पढ़ाई, खासकर जब आप हायर स्टडीज में आते हो, ST में हायर स्टडीज में आते हो, तो फिर कैसे फैमिली कितना सपोर्ट करती है आपको? मेरी फैमिली का ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का पढ़ेगा लड़की, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अच्छा, मेरे पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि मैं अच्छा पढ़ूँ, ज्यादा पढ़ूँ, इनफैक्ट उनका जॉब से इतना लेना देना नहीं है, दे वांट मी टू बी वेरी नॉलेजेबल, और क्योंकि नॉलेज होने से नौकरी वैसे भी मिल जाएगी, तो एक सोसाइटी में एक रिस्पेक्टफुल इंसान बनना ज़्यादा मायने रखता है उनके लिए। और यहाँ पे वो भी चाहते हैं कि मैं यहाँ पे आऊँ, ये संस्कृति के लिए बहुत एनरिच जगह है, यहाँ पे कल्चरल चीज़ें बहुत होती है और म्यूजिकली भी बहुत एडवांस जगह है, तो इस कारण से मेरे पेरेंट्स ने बोला कि आप यहाँ पे आ जाओ। ओके, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत सपोर्टिव है आपके पेरेंट्स। मैं चाहूँगा कि हर कोई इस तरीके से सपोर्ट करे अपनी फैमिली मेंबर्स को। आप बार बार म्यूजिक का बातें ले आ रहे हो, कहीं क्या हॉबी है, कुछ सिंगिंग भी करते हो क्या, आपको पसंद है? जी, मैंने सीखी हुई है, मैं बचपन से सीख रही हूँ, मेरी मदर भी टीचर है म्यूजिक की, उन्होंने भी सीखा है, मेरी नानी भी म्यूजिक में है।
मतलब साइंस के स्टूडेंट फिलोसफी कर रही हैं और इंटरेस्ट म्यूजिक में है, आगे कुछ और भी है क्या? थोड़ा बहुत स्केचिंग वगैरह और लिखती हूँ। स्केचिंग भी है, मतलब आई एम टॉकिंग विद मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी। मैं बस कोशिश करती हूँ करने की। देखो भाई सीखो, कोशिश में इतना सब कुछ है, अभी रिजल्ट में तो बहुत कुछ निकलना बाकी है। और अच्छी चीज ये है कि जॉबलेस, मतलब होता है ना कि पढ़ाई कर रहे हैं, अगर नॉलेज है तो जॉब लग ही जाना है जी। लोग जॉब के पीछे भाग रहे हैं, यहाँ नॉलेज के पीछे भागा जा रहा है। ये अपने आप में बहुत अच्छा मैसेज है कि हमें जॉब के पीछे नहीं भागना है, बेसिकली हमें अपने आप को बनाना है और जॉब खुद मिल जाए। मास के पीछे भी नहीं भागना है, जब आप नॉलेज गेन करने के लिए इंटरेस्ट रखोगे मास अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। मास के पीछे नहीं भागना है, तब वो चीज बहुत सेल्फिश हो जाती है। कितना फ्रेश माइंड से बात कर रहा हूँ मैं, कितना फ्रेश माइंड से बात कर रहा हूँ कि इतनी पॉजिटिविटी है चीजों को लेके, बहुत अच्छा है ये आइडिया। लोगों को इसको इस चीज पे ऑब्जर्व करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हाँ ये वे ऑफ लर्निंग हो सकती है, क्योंकि हम खुद के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरों के लिए पढ़ रहे हैं कि समाज अच्छा हो। हम शिक्षित होंगे तो दूसरे लोग भी हमें देख के शिक्षा पाने के लिए इच्छा रखेंगे, तो वो जरूरी है। बहुत अच्छे आइडियाज हैं और बहुत अच्छा थॉट है। मैं उम्मीद करूँगा कि अब महादेव की नगरी में आप आए हो, मालवीय जी के बगिया में आए हो, आप जल्दी से जल्दी नेट क्रैक करो। और अच्छी बात बता दूं कि अभी आपने मेरे बस सिलेबस को देखा और बस गाइडेंस को देखा था और फाइनली ये सब चीज़ें खुद के हार्डवर्क को बेसिकली आपने इतना अच्छे से किया, आप सेलेक्ट हो गए। अच्छी बात ये है कि पीएचडी फाइनली, जो सीयूटी पीएचडी होता है और जो नेट है जारक स्कॉलरशिप, तो इसके भी प्रिपरेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। अच्छा। अब पूरी कोशिश होगी कि उसमें हम लोग फर्स्ट पेपर को भी इंक्लूड करें और कोर सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करें, इवन बहुत सारे सब्जेक्ट्स को भी ऐड कर रहे हैं जी। तो अभी आप यहाँ से ना स्टार्टिंग पीरियड से ही मैं तो कहूँगा नेट में लग जाना आप, ठीक है जी, और प्रॉपर हम लोग का चैनल प्लेटफॉर्म जो टीचर्स होंगे वो आपको हेल्प करेंगे। और पहले नेट देख लो, फिर उसके बाद उसी के पैरेलल अपना यूपीएससी को भी थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, वो बाद में आएगा, अभी फिलहाल नेट करना है। बेसिकली आपके अंदर पेशेंस है तो आप कुछ भी कर लोगे, वो मुझे नजर आ रहा है कि पेशेंस तो बहुत है। आपकी वेल विशेस बस में। मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीजें कोशिश रहेगी कि बहुत सारे फिलोसफिकल टॉक करें फ्यूचर में जी। अगर बहुत ही कोर माइंड है फिलोसफी का तो, और वो दिख रहा है मुझे, नहीं मुझे नहीं आता है। थोड़ा बहुत बस पढ़ना है, अच्छा लगता है मुझे। हॉबीज में बेसिकली क्या क्या है? मैं लिखती हूँ तो मुझे लिखना पसंद है, पढ़ती हूँ। और क्या फिलोसफी पे कुछ लिखना पसंद है? फिलोसफिकल भी, इन जनरल में फिलोसफी तो हर चीज़ में होती है, हम कुछ किसी भी चीज़ को फिलोसफिकल बना सकते हैं। okay. तो मुझे इन जनरल लिखना पसंद है, पढ़ना पसंद है, वो कोई भी किताब हो। और मैं स्केचिंग करती हूँ, थोड़ा बहुत गाना वगैरह प्रैक्टिस करती हूँ बस। वाह बहुत बढ़िया, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आपने इतना समय दिया, ये टॉक बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों तक पहुँची। और मैं चाहूँगा कि आप अपने आगे के फ्यूचर के लिए जो भी चीज़ें हैं प्रिपरेशन के लिए, आप उसको बेहतर करो जी। थैंक यू। और इस बार से अब भी एक बार असली पे आपके साथ जो धोखा हुआ है ध्यान देना, कि क्योंकि अब दूर से आते हो तो मैं चाहूँगा कि मैसेज अपने यहाँ ले जाओगे ना, तो थोड़ा सा रहता है कि अरे यार वहाँ के लोग ऐसे, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ उसको थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित रखो बस जी जी। और ठीक है, तो और विश्वविद्यालय के हर एक एलिमेंट्स का फायदा उठाना है, लाइक जो भी यहाँ पे चीजें हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऑपरेट होती हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है जी। सेंट्रल लाइब्रेरी तो बहुत ही एनरिच्ड है यहाँ की, और स्टूडेंट्स को उसे विशेषकर उसको बहुत यूटिलाइज करना चाहिए। ऐसी लाइब्रेरी मैंने जा रहे हो अभी, इसके बाद जाऊंगी, मैं इनसे बात कर रही थी, मैं भैया से बात कर रही थी कि मुझे जाना है, इसके बाद एक बार देख के आएंगे। तो लाइब्रेरी बहुत अच्छा भाई, अभी इंडिया के फर्स्ट में है जी, टॉप वन में इंडिया में है लाइब्रेरी, एशिया में भी शायद, एशिया में भी है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। ठीक है, ओके, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। हर हर महादेव। थैंक यू।